चाहे किसी भी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, चाहे गरीबी और भूख कितना ही सितम कर दे या बुढ़ापा जकड़ ले, मगर एक कलाकार की जिंदा दिली, कला और उसका जुनून कोई खत्म नहीं कर सकता। एक कलाकार को गरीबी और बेबसी ने ऐसा जकड़ा कि कभी जो महफिलों की शान हुआ करता था, वो आज मुफलिसी में 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हम बात कर रहे हैं शहर के पहले ऑर्केस्ट्रा चटर्जी ग्रुप के संस्थापक और एकॉर्डियन प्लेयर प्रभात चटर्जी की, जो कभी अपने संगीत से महफिलों में धूम मचाया करते थे, लेकिन आज एक अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव काट रहे हैं। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक तंग बस्ती में चटर्जी ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक और एकॉर्डियन प्लेयर प्रभात चटर्जी अपनी जिंदगी मुफलिसी में काट रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब प्रभात चटर्जी की मौजूदगी से महफिलें रोशन हो जाया करती थी। संगीत की महफिल में बैठे लोग प्रभात का एकॉर्डियन सुन मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। 1975 से लगाकर करीब 3 दशकों तक प्रभात और उनके ऑर्केस्ट्रा ने शहर और देश भर की महफिलों में खूब तालियां बटोरी। प्रभात साहब ने सैकड़ों मंचीय प्रस्तुतियां दी और अपने ऑर्केस्ट्रा के कई कलाकारों को ऊंचे दर्जे तक पहुंचाया। लेकिन जिंदगी कहां और कब अपना पासा पलट दे, ये कोई नहीं जानता। प्रभात चटर्जी की जब कोई खैर लेने पहुंचा तो उनके लफ्जों ने सालों के दर्द और मजबूरी को बयां कर दिया। कहने लगे, खुद चला अपने पैरों पर उम्र भर, खुद से खुद की बात ही नहीं हुई, जिंदगी और वक्त ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन प्रभात साहब तो एक कलाकार ठहरे। भूख से तड़पती आंतें और बदबूदार कपड़ों से ढके जिस्म से भी उनका अंदाज बदला नहीं। अपने शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि जहां की है मुझको खबर, अपना होश कुछ भी नहीं। क्या करते हो संगीत की बात क्या करते हो? पांव उस्तादों के दाबे हैं तब ये इल्म आया है। हो गया 3 लाइन का। उम्र भर पैरों पर चला, खुद से खुद की बात ही ना हुई। चले जा रहा आप अमन सब पैदल। ये 75 से हाँ, ये चेहरा बिकता है, चेहरा आपका मेरा तो मेरा तो चेहरा बिकेगा करेंगे ये लोग सब करवा दूंगा मैं। कितने साल चला ये ऑर्केस्ट्रा है? कितने साल चला पे ऑर्केस्ट्रा? सुनिए ना, मैडम 2 मिनट हमारे वाइट हो जाएगा सर। हम भी 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल डेली 5 शो। जब प्रभात चटर्जी की हालत की खबर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह को लगी तो कलेक्टर ने तत्काल सामाजिक न्याय विभाग को चटर्जी साहब की सहायता और उनकी देखरेख का आदेश दिया। ये हम प्रभात चटर्जी को लेने आए हैं यहाँ से, उनकी इच्छा जान के अगर वो जहाँ जाना चाहता है उसी के अनुसार ही उसको पुनर्वास करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इनको ले जा रही हूँ मैं अपने भिक्षुक केंद्र में, वहाँ इनको नहला धुला करके और कपड़े अपने चेंज करके वहीं पे हमारा आस्था जो वृद्धाश्रम है वहाँ डॉक्टर हमारे हड्डी के परमानेंट रहते हैं, उनसे उनकी चेकअप करवा करके उनकी सलाह के अनुसार उसको हम लोग अस्पताल में ले जाएंगे और अस्पताल में डॉक्टरों के जो निर्देश रहेगा उसके आधार पर उनकी इलाज करवाएंगे उसकी। फिलहाल सामाजिक न्याय के अधिकारी उन्हें अपने साथ वृद्धाश्रम ले गए हैं, जहां उनके शारीरिक चेकअप के बाद उनकी इच्छा अनुसार उन्हें रखा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।